स्त्रीचं चिन्ह असं असतं तर इथे पुरुष आणि स्त्री एकमेकांना आवडतच असे, पण काही स्त्रियांना स्त्रिया आवडू शकतात, पुरुषांना पुरुष आवडू शकतात, ही विविधता आहे. म्हणून ते दाखवलं की विविधता आपण स्वीकारू. समुदायामध्ये अशी एक भिन्न लिंगी आकर्षण, उभयलिंगी आकर्षण, समलिंगी आकर्षण असणारे पण असतात व्यक्ती. आता हे स्त्रीला पुरुष आवडतो आणि इथं स्त्रीला स्त्री आवडतो असं हे सिंबल असंच आहे. म्हणजे हे स्त्रीचं प्रतीक आहे, याला स्त्री आवडतो. हां, ज्या ठिकाणी तुम्ही असे फिल्म फेस्टिवल अरेंज करता त्या ठिकाणी जे आहे ते दाखवाना वास्तव की जे आहे मुलांना मग समजत नाहीत, मग त्याच्यामुळे दे विल गो टू द पोर्नोग्राफिक मूवीज अँड ऑल दॅट. सो दॅट हॅज टू बी इलिमिनेट. मग ते जर कमी करायचं असेल तर तुम्ही राईट टाईमला राईट एजमध्ये ते दाखवा की जेणेकरून आम्ही मग त्यांना काही अशी उत्सुकता नाही राहणार की आम्हाला हे बघायचंय किंवा ते बघायचं. हां ओके, इट इज जस्ट अ नॅचरल प्रोसेस. ओके फाईन, वी विल डू दिस एट द राईट टाईम. या राईट टाईम अँड राईट एज. एक दिन मुझे ड्रॉप कर रहे थे और एकदम से बोला कॉफी नहीं है, कंपनी तुम्हारे फ्यूचर की बात करती है. मुझे काफी अनकंफर्टेबल लगा, बट आई डिडंट वांट टू बी रूड. फिर वहां जाकर मुझे बोलते हैं कि शादी वादी के चक्कर में मत पड़ना, करियर प्रोस्पेक्ट्स खराब है. हमारी टीम में बेंगलोर में काम कर रही थी तो दो चार लोग देख चुके थे. जब काम खत्म हुआ तो वो बियर लेकर आए और बोला छत पर जाकर सेलिब्रेट करते. बीच में हम दोनों अकेले थे. आई ट्राइड टू किस. मैंने मना कर दिया एंड ही सेड रिलैक्स, तुम भी सो जाए. मैं तभी वहां से निकल गई, कैब पकड़ा सीधा. अगले दिन उनका मैसेज आया, कम टू कॉफी. आपने रिप्लाई किया? नहीं. और उसके बाद एटीट्यूड बिल्कुल चेंज, नो स्पेशल ट्रीटमेंट, कट टू कट बात. बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे रीजन में लिखा है कि लड़की में लाख का मिशन है. तो फिर आप क्यों करिए कंप्लेंट करें? क्योंकि मुझे पता चला कि हमने पहले भी किया हुआ है. ऐसा लगता है कि क्योंकि वो बॉस है तो हमें लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं विदाउट क्वेश्चन.